नेम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सीक्रेट्स बाय रूबी। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक दाल की है, शाही दाल माश की। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक कप मैंने दाल माश का लिया है जिसको मैंने एक घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमें चिकन चाहिए बोनलेस, तकरीबन 6 से 7 बोटियाँ आप ले सकते हैं, आधा कप चिकन का है ये, और इनको इस तरह स्ट्रिप में काट लेना है। 2 प्याज हैं दरमियानी जिनको मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन जूस है 1 चम्मच, 2 अंडे हैं जो हम बॉईल कर लेंगे, टमाटर हैं चॉप किए हुए 2 दरमियाने, हरा धनिया है गार्निश के लिए, बारीक कटी हुई अदरक है गार्निश के लिए, हरी मिर्चें भी गार्निश के लिए हैं। और जो स्पाइसेस इसमें हम मिक्स करेंगे उसमें हल्दी है, नमक है, साबुत ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है और गरम मसाला है। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम अपने चिकन को शामिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं उनमें से थोड़े थोड़े स्पाइसेस जो हम चिकन में ऐड करते जाएंगे, हल्दी आधा टेबल टेबलस्पून, गरम मसाला आधा टेबलस्पून, लाल मिर्च आधा टेबलस्पून, धनिया पाउडर आधा टेबलस्पून, नमक आधा टेबलस्पून, और उसके बाद हम लेमन जूस में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने चिकन में मसाले मिक्स कर लिए हैं। हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हमारे पास 2 टेबलस्पून, हम उसमें से 1/2 टेबलस्पून जो है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे बड़ा, उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, और जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन है हमारा वो उसमें शामिल कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। जब चिकन का तमाम तर पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए अच्छे से, उसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे, और जिस पे हमने इसको फ्राई किया था उसी पैन में या उसी कढ़ाई में या उसी बर्तन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट्स शामिल करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। और अपने बाकी के जो मसाले हैं हमारे वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। हम अपने इस मसाले को इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छे से भून लेंगे और साथ साथ पानी का छींटा लगाते जाएंगे ताकि किसी भी जो सब्ज़ी है उसका प्याज लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, उसका टेस्ट ना रहे इसमें। ये देखें हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी एक निशानी आपको ये भी बता दूँ कि मसाला अच्छे से जो है वो ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल का पानी अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये हमने अपनी दाल शामिल कर ली है और अब हम इसको अच्छे से पानी का छींटा लगा लगा के 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करने के बाद दाल को, अब हम इसमें अपना जो हमने फ्राई करके चिकन रखा हुआ था वो शामिल करेंगे और फिर से इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 2 कप जो है वो पानी के शामिल करेंगे। दो कप पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से हिला के और दम पे रख देंगे दाल के गलने तक। ये देखिए हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है।
अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो जी ये है हमारी शाही दाल, इसकी फाइनल लुक देखें आप। इसको मैंने हरे धनिए, सब्ज़ मिर्चे और कटे हुए अदरक से गार्निश किया है। जो अंडे बॉईल करवाए थे वो भी इसी में डलेंगे। चाहे तो आप उस पर डेकोरेशन के लिए उसको यूज़ कर लें और चाहे तो आप इसमें ऐड कर दें। इस दाल को आप नान के साथ, रोगनी नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी पराठे के साथ और पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डेली सीक्रेट्स बाय रूबी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।